तो दोस्तों आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं कुछ ऐसे खुफिया फर्नीचर जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे और आप भी इन्हें अपने घर में बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। तो चलिए, और ये है द सीक्रेट टेबल। ये शख्स इस टेबल के पहले द्रास को बाहर निकालता है और उसके नीचे से एक और छोटा दराज निकाल लेता है, जिसके बाद जब इसकी दूसरी तरफ से दराज को ये बाहर निकालकर उसमें से मकनातीस को लेकर अंदर डाल देता है, तो एक पतला खुफिया दराज भी बाहर आ जाता है, जिसमें आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं। ओम स्मार्ट फर्नीचर। बहुत से लोग अपने घरों में दीवार पर हैंगिंग स्टैंड नहीं लगवाते, उन लोगों को ये शानदार इजाद काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और ये है किचन टॉप डाइनिंग टेबल। यहाँ ये खातून किचन में शेल्फ को धकेल रही है, जिसके बाद इसके नीचे से खाना बनाने के लिए एक चूल्हा निकल आता है। साथ ही साथ ये शेल्फ आगे से एक डाइनिंग टेबल के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। यह रूम पार्टिशनर। यहाँ ये शख्स एक बड़े कमरे को दो कमरों में बदल रहा है, जिसके लिए वो छत से लगे बड़े बड़े ब्लॉक्स को खींच कर लाता है और एक के साथ एक फिक्स कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ एक पूरी दीवार बनकर तैयार हो जाती है, और वो भी दरवाजे के साथ, जिससे एक और रूम तैयार हो जाता है सिर्फ कुछ ही मिनटों में। एडजेन चिटाई की तरह नजर आने वाली इस चेयर को खोलने के बाद इसके पीछे वाले हिस्से को एक पतली रस्सी की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये एक अजीबोगरीब कुर्सी बनकर तैयार हो जाती है, जहां ये शख्स फौरन ही बैठकर अपना पूरा वजन इस पर डाल देता है। Whichl.com ऑफिशियल। खुफिया दरवाजे खोलते ही दूसरी दुनिया में पहुंच जाने वाली कहानी को ये शख्स बस अभी सच करने ही वाला है। ये शख्स इस अलमारी के डोर्स को ओपन करता है और उसके अंदर एक और डोर ओपन करते ही उसके दूसरी तरफ एक और बड़ा रूम नजर आने लगता है, जिसे इस शख्स ने अपनी तफरी के लिए डिजाइन करवाया है और जहां सिर्फ यही जा सकता है। मॉडर्न प्रोडक्ट वन। लैपटॉप पर काम करने के बाद ये शख्स उसे इस टेबल के नीचे रख देता है। उसके बाद जब ये शख्स इस टेबल को फोल्ड करता है तो ये अपने ही अंदर फोल्ड होकर एक छोटे टेबल के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्लोजेट बूम जियो ऑफ सिम्पकिंस। कौन कहता है कि कपड़े सिर्फ बड़ी अलमारियों में ही रखे जा सकते हैं। यहाँ इस शख्स ने कुछ ऐसी अलमारी की इजाद की है, जिसे खास तौर पर कम जगह वाले घरों के लिए ही बनाया गया है। इस अलमारी की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर कपड़ों को फोल्ड करके नहीं, बल्कि अलमारी की तरह आप हैंगर में लटकाकर रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बिना मुश्किल के आप कपड़े बाहर निकाल कर उन्हें पहन सकते हैं। अपिन स्टोन। यहाँ ये शख्स इस दीवार के पास जाता है और उसे खुल जा सिमसिम कहकर दीवार के पार चला जाता है, यानी दीवार में बने एक दरवाजे से गुजर जाता है। इस तरह के खुफिया दरवाजे बनाने में ये कंपनी काफी माहिर है, जो आपको महसूस भी नहीं होने देती कि दीवार में कोई दरवाजा भी हो सकता है। आपको ये दरवाजे कैसे लगे हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। नैरो स्टेयरकेस। इस तंग जगह में सीढ़ी जैसी लगती ये चीज, दरअसल ये एक सीढ़ी ही है, जिसे खास तौर पर तंग जगह के लिए ही डिजाइन किया गया है और जिस पर एक बार में एक ही शख्स आराम से ऊपर या नीचे आ जा सकता है। स्टेयर्स एलईडी लाइटिंग।
ये खास सीढ़ियाँ जहाँ LED लाइट फिट होने की वजह से आपके इन पर चलने से ये मोशन सेंसर की वजह से ऑन हो जाती हैं और आपके गुजर जाने पर ये खुद ब खुद ही ऑफ भी हो जाती हैं। सच में ये कमाल की सीढ़ियाँ हैं। मर्सनेरियाल डिजाइन। इस शख्स के इस स्विच बोर्ड के अंदर चाबी डालते ही ये खुल जाता है और जिसके बाद अंदर से एक छोटा लॉकर नजर आने लगता है और जिसे ये शख्स चाबी डालकर खोल लेता है, जिसमें आप अपना बेहद कीमती सामान बेफिक्र होकर रख सकते हैं। चोर ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि इस घर का मालिक इतना ज्यादा चालाक हो सकता है कि जिसने बिजली के बोर्ड के अंदर ही अपना एक लॉकर बनवा कर रखा है। लेकिन आजकल ऐसा करना जरूरी हो गया है क्योंकि आजकल के दौर में चोर भी काफी होशियार हो चुके हैं। तो ऐसे में इस तरह के खुफिया लॉकर्स आपका कीमती सामान चोरी होने से बचा सकते हैं। नेक्सस 21। एक बटन दबाते ही किचन की शेल्फ के अंदर से टीवी बाहर निकलने लगता है। कुछ लोग खाना बनाते वक्त भी अपने ड्रामास को मिस नहीं करना चाहते, तो उन्हीं के लिए ही इस खास तरह के सिस्टम को इजाद किया गया है। आप सिर्फ किचन में टीवी ही नहीं बल्कि कुछ भी खुफिया रख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ नीचे मिक्सिंग ग्राइंडर को भी छुपा कर रख सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन ही बटन दबा कर ये सामने आ जाए। मर्फी डोर। यहाँ ये शख्स घर के अंदर दाखिल होते ही अलमारी के नीचे बटन को दबाता है तो वो पूरी अलमारी दरवाजे के तौर पर खुल जाती है और आगे एक और रूम नजर आना शुरू हो जाता है जहाँ आप कुछ भी महफूज कर सकते हैं या चोरों से या लुटेरों से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। आप इस तरह की अलमारी को किसी भी मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। मिलानो स्मार्ट लिविंग। यहाँ सोफे पर टीवी देखती ये खातून सोफे से उठती है और टीवी को ऑफ करके उसके रिमोट को अलमारी के अंदर ही रख देती है और उसके बाद इसे पूरे टीवी यूनिट को एक तरफ से पकड़कर उसे घुमाती है, जिससे टीवी दीवार की तरफ छुप जाता है और जिसके बाद ये खातून इसके सामने वाले हिस्से को इसके हैंडल से खींचती है जहाँ से एक अच्छा खासा बेड निकल आता है। WR Systems। खुफिया तौर पर ये खास गैराज जो कि इस घर की दीवार का एक हिस्सा ही लगता है, पहली नजर में किसी भी शख्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि इसके पीछे कोई गैराज भी हो सकता है। इस गैराज की दीवार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब वो बंद होती है तो घर की दीवार की तरह ही नजर आती है, जो कि खुफिया भी लगती है, साथ ही साथ ये घर की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। स्ट्रेच एंड स्लाइडिंग बुक केस। बुक रीडिंग करने के शौकीन लोगों के पास जब बुक्स ज्यादा हो जाती हैं, तो घर कम स्पेस होने की वजह से वो लोग इस तरह की स्लाइडिंग लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बुक्स को निकालना और वापस रखना काफी आसान हो जाता है। टिनिये बोर्ड। यहाँ ये शख्स इस घर की लकड़ी के फर्श के अंदर लेटा हुआ है जिसने इस खास जगह को तूफान जैसी आफत से बचने के लिए बनाया है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल घर के अंदर चोरी से घुस आने वाले लुटेरों से अपने आप को छुपाने के लिए भी किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि ये सिस्टम काफी खास है। माइकोम्स। प्रीवियस फर्नीचर की तरह ही इस तरह के फर्नीचर का इस्तेमाल लोग उन सब जरूरियात के लिए ही करते हैं, मगर जिन लोगों के घर के तहखाने बड़े होते हैं तो वहाँ वो लोग रिमोट से चलने वाले कुछ इस तरह के दरवाजों को लगाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना जवाब लाजमी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वो लाजमी हमारे चैनल दूरबीनी को सब्सक्राइब कर दें और इस कीमती मालूमात को अपने प्यारे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। आपका कीमती वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया।